तो वेलकम वंस अगेन। आज का हमारा प्रोग्राम है चेक वेदर अ ट्राइंगल इज वैलिड और नॉट। इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आप सभी को पता होगा सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री, या ठीक है ट्राइंगल वैलिडिटी डॉट सी नाम दे देते हैं। तीन एंगल्स ले लेते हैं, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, प्रिंट एंटर थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, स्कैन एफ, परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी, एम परसेंट ए कॉमा एम परसेंट बी कॉमा एम परसेंट सी। तो यहां तो हो गया इनपुट। अब हम लगाएंगे इफ कंडीशन। तो हमारा लॉजिक इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, डबल इक्वल टू लगाएंगे कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए, प्रिंट एफ ट्राइंगल इज वैलिड, एल्स इस लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ट्राइंगल इज नॉट वैलिड। इसको सेव कर दिया, रन करा के देखते हैं। तो यहां देखिए नीचे टर्मिनल विंडो पे अब हम तीन एंगल्स एंटर करने जा रहे हैं। ऐसे ही मैं रैंडमली कुछ एंगल्स एंटर कर देता हूँ, एक डाला 78, एक 48, एक 56। यहाँ देखिए आंसर आ गया ट्राइंगल इज नॉट वैलिड, क्योंकि इन तीनों का सम 180 नहीं था। अब हम दोबारा से एंटर करते हैं, एक एंगल डाल दिया 100 का, एक 40 का और दूसरा भी मान लो 40 का। तो यहाँ देखिए आंसर आ गया आपका ट्रायंगल इज वैलिड, क्योंकि 100 प्लस 40 प्लस 40 आपका 180 होता है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम क्वेश्चन है, पर उसके अंदर इस बार साइड्स एंटर करनी है। तो अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे, चेक वेदर अ ट्रायंगल इज वैलिड और नॉट, पर इसमें इस बार यूजर एंगल्स की जगह साइड्स एंटर करेगा। तो उसके लिए हमें ये लॉजिक पता होना चाहिए। तो इसका लॉजिक ये रहेगा, मान लो तीन साइड यूजर ने दी ए बी और सी, तो कंडीशंस क्या क्या लगेंगे यहाँ देख लीजिए। ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी, या फिर ए प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन बी, या फिर बी प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन ए। अगर ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाती हैं इसका मतलब ट्रायंगल पॉसिबल है, ट्रायंगल वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। तो इसको भी करके देख लेते हैं, मैंने उसी पिछले प्रोग्राम को कॉपी कर लिया था। इस बार ए बी सी की जगह मैं वेरिएबल्स थोड़े डिफरेंट ले रहा हूँ। लेट अस टेक साइड्स एस वन एस टू एंड एस थ्री, और थ्री एंगल्स की जगह थ्री साइड्स एंटर करवाएंगे, थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पर एस वन हो जाएगा, यहाँ S2 हो जाएगा और यहाँ पर S3, ठीक है। अब इस इफ कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, अभी अभी बताया था, दो साइड को सम करके देखिए, पहली दो साइड्स को, इफ S1 प्लस S2 इज ग्रेटर देन S3 एंड तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, तो S2 प्लस S3 शुड बी ग्रेटर देन S1, फिर एंड का ऑपरेटर यूज करेंगे, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर है। S3 प्लस S1 शुड बी ग्रेटर देन S2, ये हमारी तीन कंडीशंस हो गई। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो रही हैं तो हम बोलेंगे, हम डिस्प्ले कराएंगे ट्रायंगल इज वैलिड, एल्स ट्रायंगल इज नॉट वैलिड। अब इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस से सेव किया, ठीक है। इस प्रोग्राम को करने के और भी कई सारे मेथड्स हैं, तो ये बेस्ट मेथड है। एंटर थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तीन साइड इनपुट करते हैं, सपोज 14, ट्वेल्व एंड फाइव, तो ट्रायंगल इज वैलिड लिखा हुआ आ रहा है। अब हम दोबारा से एक बार रन करके देखेंगे, तो इस केस में ट्रायंगल वैलिड हो गया, कोई और वैल्यूज देते हैं, एंटर थ्री साइड्स, तो एक ले लेता हूं मैं 100, ठीक है, दूसरा ले लेता हूं 10 और तीसरी साइड 5,
तो यहां देखिए तो ट्रायंगल इज नॉट वैलिड हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये प्रोग्राम भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेक वेदर अ ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, स्केलन और इक्विलेटरल। तो इसके लिए आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं, यहाँ एक बार देख लीजिए। मान लो तीन साइड हैं आपकी, ए बी और सी। अगर अगर ए इज इक्वल टू बी है, या फिर ए इज इक्वल टू सी, या फिर बी इज इक्वल टू सी, यानी तीनों में से कोई भी दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं, तो वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस। अगर तीनों में से कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो वो कहलाएगा स्केलन, और अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसके लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमें क्या करना है? ए को बी से कंपेयर करना है और बी को सी से कंपेयर करना है। तो अब चलते हैं कोडिंग की तरफ। यहां देखिए कोड ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। तीन साइड इनपुट करा ली और यहां पर आपको लॉजिक चेक करना है इस लाइन से। इफ एस वन डबल इक्वल टू एस टू एंड एस टू डबल इक्वल टू एस थ्री। तो यहां पर एंड ऑपरेटर का यूज हुआ है। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर पहली साइड दूसरी के इक्वल है और दूसरी साइड तीसरी के इक्वल है, तब माना जाएगा कि तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो उस केस में क्या प्रिंट करेंगे? ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। ठीक है, अब मान लो इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो होगा नहीं, तो एल्स इफ में जाएंगे। यहां एक और कंडीशन है, यहां हमने क्या कंडीशन लगा रखी है? अगर S1 S2 के इक्वल है या फिर S2 S3 के इक्वल है या फिर S1 S3 के इक्वल है, तो मैं या का यूज कर रहा हूं, यानी कि इसमें लगेगा और ऑपरेटर। ऊपर हमने क्या यूज किया था? एंड ऑपरेटर, और यहां हम यूज कर रहे हैं और ऑपरेटर। तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए, कोई भी एक पेयर S1 S2 का या S2 S3 का इक्वल हो जाए, तो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। मान लो अब ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हो पाई, दोनों फॉल्स हो गई, तो एल्स के केस में क्या लिखा है? ट्रायंगल इज स्केलन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तीनों साइड डिफरेंट थी। ठीक है ना, अब इसको रन करा के देखते हैं। तो एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है। यहाँ देखिए एंटर थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तीन साइड्स हम इनपुट करा देते हैं। मान लो हमने एक कराई 10, दूसरी भी 10, तीसरी भी 10, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। आ गया आंसर, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। अब एक बार और इसको रन करा देते हैं। अब तीन साइड हम इस बार तीन में से दो साइड सेम रखेंगे, 4 एक 5 और एक और 4 कर देते हैं। आंसर देखिए आपका आ गया, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। अब एक बार और रन करा लेंगे, इस बार तीनों साइड को डिफरेंट रखेंगे। थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, 4, 8, 9, तो आंसर आ गया आपका, ट्रायंगल इज स्केलन। तो ये था आपका प्रोग्राम, आई थिंक ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।